हेलो दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ 220 मीटर में 4 BHK लग्जरी फ्लैट। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं फ्लैट की, तो यहाँ आप देख रहे हो, एंट्री करते हैं, यहाँ हमारा ड्राइंग रूम आ जाता है, जो कि ड्राइंग रूम का आप साइज देख लो, काफ़ी बड़े साइज में ये ड्राइंग रूम होने वाला है दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा ड्राइंग रूम है, इसमें अलेक्सा का लगा हुआ है। अलेक्सा से बोलने से ही लाइट चालू होती है और लाइट बंद होती है। तो ये देख सकते हो ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का आप डिज़ाइन देख लो, काफ़ी शानदार तरीके से ड्राइंग रूम पर डिज़ाइन किया गया है, जो कि आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे हमें बाहर से विंडो मिल जाती है, जो कि 2 साइड ओपन कॉर्नर का फ्लोट है, फ्लैट है, 2 साइड ओपन है। तो आप देख सकते हो, आप देख लो, यहाँ पे आप आराम से एलसिंग में सोफा लगा सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन वुडन वर्क का काम किया गया है, डिज़ाइन दिया गया है, आप देख सकते हो। नीचे के साइड में काफ़ी स्टोरेज बने हुए हैं इसमें। यहाँ हमें LED पैनल का पॉइंट मिल जाता है। ऊपर के साइड में आप देख सकते हो झूमर पंखे लगे हुए हैं, काफ़ी मॉड्यूलर काम हो रखा है, जो कि पूरे वसुंधरा इंदिरापुरम में कोई भी बिल्डर ऐसा काम करा के आपको नहीं देने वाला है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टोरेज हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, तो दोस्तों ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया। ड्राइंग रूम के बाद हम बात करते हैं डाइनिंग टेबल का स्पेस हमें यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे डाइनिंग टेबल आराम से हमारी आ जाती है। आप देख सकते हो पूरे वर्क में, ऊपर के साइड में POP वर्क का काम बहुत ही शानदार तरीके से, फॉल सीलिंग का काम इसमें हो रखा है दोस्तों। साइज की बात करें तो काफ़ी बड़े साइज में ये फ्लैट होने वाला, इंडिविजुअल फ्लोर है, कॉर्नर पार फेसिंग का फ्लोर है। तो ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया, और यहाँ पे हमें डाइनिंग टेबल का पॉइंट मिल जाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम किचन की, तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़े साइज में, काफ़ी स्पेशियस लग्जरी किचन इस फ्लैट में हमें मिलने वाली है दोस्तों। काम काफ़ी क्वालिटी का हो रखा है, काफ़ी बढ़िया तरीके से काम हो रखा है इसमें, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारा सिंक कटा हुआ है, जो कि डबल डोर का सिंक कटा हुआ है। ऊपर के साइड में काफ़ी सारे स्टोरेज बने हुए हैं। यहाँ पे हमें चिमनी मिलती है, जो कि चिमनी बिल्डर लगा के दे रहा है। यहाँ पे काफी सारे स्टोरेज मिल जाते हैं हमें, तो पूरी की पूरी मॉड्यूलर किचन है। तो दोस्तों, स्टोरेज की कोई कमी नहीं की गई है इस किचन में, काफ़ी सारे स्टोरेज बने हुए हैं। और बात करते हैं किचन में, तो किचन में हमें यहाँ पे बाहर से विंडो मिल जाते हैं, बाहर से ये गेट मिल जाता है, जो कि बालकनी से अटैच ये गेट है। आप देख सकते हो यहाँ से हमारी बालकनी अटैच है, यहाँ पे वॉशिंग का पॉइंट दे रखे हैं, और ये हमारी बालकनी हो गई। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये हमारी किचन हो गई दोस्तों। काफ़ी बड़े साइज में, काफ़ी अच्छे साइज में ये हमारी किचन होने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम, चलते हैं कॉमन वाशरूम की। तो यहाँ पे हमें सामने के साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे कॉमन वाशरूम मिल जाता है। ये हमारा कॉमन वाशरूम मिल जाता है। वाशरूम का साइज आप देख लो, काफी बड़े साइज में ये वाशरूम होने वाला है। ऑटोमेटिक लाइट है इसमें।
जो भी फिटिंग मिलेगी आपको जैकवार की फिटिंग मिलने वाली है दोस्तों इसमें। यहाँ पे हमें बाहर से विंडो मिल जाती है इस वॉशरूम में, तो ये हमारा कॉमन वॉशरूम हो गया। अब चलते हैं बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो सामने के साइड में काफ़ी प्यारा सा पूजा रूम दिया गया है, बहुत ही प्यारा पूजा रूम है आप देख सकते हो। यहाँ पे हमें पूजा स्पेस मिल जाता है, पूजा रूम मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया तरीके से कि ये बनाया गया पूजा स्पेस है। यहाँ पे हम मंदिर अपना रख सकते हैं और आराम से पूजा स्पेस बनाया गया है। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया तरीके से ये फ्लैट बनाया गया है। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं बेडरूम की, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट बेडरूम स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और बेडरूम का साइज आप देख लो, काफ़ी बड़े साइज में ये बेडरूम होने वाला है। बेडरूम का ऊपर का आप देख लो फॉल सीलिंग, काफ़ी प्यारी सी फॉल सीलिंग हो रखी है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो दीवार पे प्यारा सा वुडन वर्क का काम हो रखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से ये वुडन वर्क का काम हो रखा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी दीवार में अलमीरा बनाई गई है, जो कि काफ़ी बड़े साइज में ये अलमीरा बनी हुई है। और इस बेडरूम में हमें यहाँ पे एलईडी पैनल मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सा एलईडी पैनल है। और इस बेडरूम से अटैच हमें ये वाशरूम मिलता है, जो कि अटैच वाशरूम है। यहाँ पे हमें बाहर से विंडो मिल जाती है। तो ये हमारा अटैच वाशरूम हो गया इस बेडरूम से। और इस बेडरूम से हमें बैक साइड में यहाँ पे बालकनी मिल जाती है दोस्तों, जो कि सॉफ्ट एरिया बोलते हैं हम इसे। और इसे इसमें हम वाशिंग मशीन का पॉइंट भी दे रखे हैं, वाशिंग मशीन आप यूज़ कर सकते हैं इस एरिया में। पूरी वसुंधरा इंदिरापुरम में आपको ऐसा काम नहीं मिलेगा, इतना बड़ा फ्लोर भले मिल जाएगा लेकिन ऐसा काम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब बात करते हैं दूसरे बेडरूम की, तो यहाँ से हमारा दूसरा बेडरूम स्टार्ट है। बेडरूम का साइज आप देख सकते हो, काफ़ी बड़े साइज में ये बेडरूम होने वाला है। काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज है। और यहाँ पे हमें एलईडी पैनल मिल जाता है इस बेडरूम में भी। दीवार पे पूरे दीवार पे आप देख सकते हो पीओपी वर्क का काम हो रखा है, काफ़ी शानदार तरीके से पीओपी का काम हो रखा है इसमें। ओवर फॉल सीलिंग का काम आप देख लो। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। यहाँ पे इस बेडरूम से अटैच हमें यहाँ पे बालकनी मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे अटैच बालकनी मिल जाती है। यहाँ पे हमें एलईडी पैनल के लिए स्पेस मिल जाता है, एलईडी पैनल लगा सकते हैं। और इस बेडरूम से अटैच हमें यहाँ पे वाशरूम मिलता है दोस्तों। वाशरूम में एक बार दिखा देता हूँ आपको, पूरे बहुत ही बड़े साइज में ये वाशरूम होने वाला है आप देख सकते हो। यहाँ पे पूरी की पूरी दीवार पर अलमीरा लगी हुई है। यहाँ से हमें विंडो मिल जाती है इस अलमेरा में। और यहाँ से हमारा वाशरूम है, जो कि वाशरूम का साइज आप देख लो, काफ़ी प्यारा सा वाशरूम बना हुआ है।
तो ये हमारा वॉशरूम हो गया दोस्तों, बहुत ही शानदार फ्लैट है। और इस बेडरूम से अटैच हमें यहाँ पर बालकनी मिलती है, जो कि मैं दिखा देता हूँ आपको। टू साइड ओपन फ्लैट है, ये हमारी बालकनी है। तो दोस्तों बात करते हैं, चलते हैं हम तीसरे बेडरूम की तरफ। तो फिर आ जाते हैं ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से हमारा तीसरा बेडरूम स्टार्ट है। बेडरूम का साइज आप देख लो, काफ़ी बड़े साइज में ये भी बेडरूम होने वाला है। पूरी दीवार पर अलवेरा बनी हुई है यहाँ पे। इस बेडरूम से अटैच हमें यहाँ पे वॉशरूम मिल जाता है, जो कि अटैच और कॉमन वॉशरूम दोनों तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इस वॉशरूम को। और यहाँ पे हमें मिलती है बालकनी दोस्तों, इस बेडरूम से अटैच यहाँ पे हमें बालकनी मिल जाती है, जो कि मैं बालकनी अभी उस बेडरूम से दिखा दूँगा आपको। तो चलते हैं हम, चौथे बेडरूम की तरफ। तो यहाँ से हमारा चौथा बेडरूम भी स्टार्ट है। इस बेडरूम में भी आप देख सकते हो यहाँ पे हमें बालकनी मिल जाती है, और यहाँ पे मिलता है हमें बहुत ही बड़ी सी अलमारी, जो कि आप देख सकते हो। और ऊपर काम देख लो, POP फोर सीलिंग का काम आप देख लो, काफ़ी प्यारा सा फोर सीलिंग का काम हो रखा है। हर बेडरूम में आपको स्पीड AC हर जगह स्पीड AC का पॉइंट मिल जाता है। और साइज़ की बात करते हैं तो काफ़ी बड़े साइज में ये बेडरूम भी होने वाला है। तो साइज इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि साइज बहुत ही बड़ा साइज है, बेडरूम का भी साइज काफ़ी बड़ा है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये हमारी बालकनी है। ये बाहर का लुक आप देख लो बाहर से। तो ये हमारी एक बालकनी हो गई, अब दूसरे बालकनी की तरफ चलते हैं। तो चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारी दूसरी बालकनी हो गई। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा और काफ़ी शानदार तरीके से बनाया गया ये फ्लैट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।